आपने बहुत सी बड़ी बड़ी शादी देखी और सुनी होगी और सम्मिलित हुए होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसी शादी का गवाह बनाने जा रहे हैं जो अपने आप में अलग है। यहाँ दूल्हा और दुल्हन ने शादी के फेरों से पहले रक्तदान किया। बृहस्पतिवार को एक ऐसी अनोखी शादी हुई है जिसकी चर्चा अपनी अलग वजह से हुई है। शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन ने रक्तदान किया, इसके बाद अनाथ बच्चों को भोजन कराने में वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों से आशीर्वाद के बाद सात फेरे लिए। यही नहीं, शादी में आए दोनों परिवार के लोगों के साथ दोस्तों ने भी रक्तदान किया। यह रिपोर्ट देखिए। मांगलिक कार्यक्रम के दौरान रक्तदान शिविर देखकर यदि आप कंफ्यूज हो गए हो तो आपको बता दें कि यह समाजसेवी प्रेमी युगल अजीत सोनी और प्रियंका गुप्ता की शादी है, जो कि समाजसेवी जन सहयोग संस्थान में रहकर समय समय पर रक्तदान कर लोगों की जान बचाने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। उनकी यह मुहिम खुद की शादी में जारी रही। उन्होंने वैवाहिक कार्यक्रम की शुरुआत रक्तदान से की है ताकि लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके और रक्तदान की कमजोरी आने के भ्रम को दूर किया जा सके। अजीत ने बताया कि उनकी संस्था के लोग यूं तो समय समय पर रक्तदान करते रहते हैं, लेकिन इस दौरान उनकी संख्या कम होती है, लेकिन शादी समारोह के दौरान दूल्हा दुल्हन दोनों पक्ष के लोग यहां जुटेंगे। इस दौरान संस्था के अलावा अन्य लोग भी उपस्थित रहेंगे, जिससे शिविर के दौरान ज्यादा से ज्यादा रक्तदान हो सके ताकि खून की कमी से होने वाली मौत से बचा जा सके। साथ ही वेडिंग इवेंट में इस तरह के कार्यक्रम आयोजन से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। वहीं प्रियंका ने बताया कि आमतौर पर लोगों में यह भ्रम है कि रक्तदान की वजह से कमजोरी आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाया जा सके इसके लिए हम लोगों से यह तय किया है कि सभी वैवाहिक कार्यक्रम करते हुए भी हम लोगों ने रक्तदान किया। साथ ही लोगों से अपील करते हुए कहा कि शादी समारोह धूमधाम से करें, लेकिन रक्तदान भी करें ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। उनकी इस नेक पहल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पूरी मुस्तैदी से जुटी रही। उन्होंने भी इस जोड़े की नेक पहल की तारीफ की। इसके अलावा उन्होंने गरीब बनवासी बच्चों को भी बाकायदा आमंत्रण देकर बुलाया और उन्हें भोजन कराया। साथ ही मुख्यालय स्थित वृद्धावस्था में रह रहे लोगों से आशीर्वाद लिया। आज आपने शादी और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, क्या हम सर इस कार्यक्रम के माध्यम से यही मोटिवेशन करेंगे कि शादी समारोह में तो सभी लोग करते हैं, लाखों करोड़ों खर्चे भी करते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम द्वारा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज देने का कार्य करेंगे ताकि जो है रक्त की वजह से किसी की मृत्यु ना हो और लोग बढ़ चढ़ के रक्तदान करें। हमें रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं होता है, और जो किसी भी जरूरतमंद को अपना रक्तदान करें, बेझिझक करें, कोई समस्या नहीं होती है। शादी के दिन ही ब्लड कैंप का आयोजन करना, हालांकि जो है शादी समारोह के अवसर पर हमने ये रक्तदान शिविर इसलिए रखा है ताकि जो है हालांकि हमने हमारे संस्था द्वारा कम रक्त कोष विभाग में रक्तदान शिविर लगाया जाता है, लेकिन वहाँ पे संख्या हमारे सदस्य ही होते हैं, बाहरी सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन आज के आयोजन कार्यक्रम में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होंगे और इकट्ठे इसी कार्यक्रम को देखते हुए हमने इस कार्यक्रम को रखा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज दे सकें। मैं प्रियंका गुप्ता, जन सहयोग संस्थान की सचिव हूँ। प्रियंका, आज आप लोगों ने ब्लड डोनेशन किया है, आपकी शादी भी है, क्या मोटिव रहा, क्या सोचकर आप लोगों ने आगे? सर, हम लोगों ने ये सोच के रक्तदान किया है कि जैसे शादी सब लोग बहुत ज़्यादा धूमधड़ाम से करते हैं, लेकिन रक्तदान करने के लिए ज़्यादातर लोग आगे नहीं आते हैं, तो हम लोग अपनी शादी के अवसर पर रक्तदान का शिविर लगाकर लोगों को ये जागरूक करने की कोशिश किए हैं कि रक्तदान करने से कोई नुकसान नहीं है। इतने सारे कार्यक्रम करते हुए भी हम लोग रक्तदान कर लिए और कोई हमको कमजोरी महसूस नहीं हो रही है। लोगों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं हम लोग कि रक्तदान करने से कोई नुकसान नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग रक्तदान करें।